हेलो दोस्तों, अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली घूमने गई थी और वापसी का टिकट मेरा आनंद विहार से था। मैं वहाँ पे आके अपने ट्रेन का वेट कर रही थी और एक ट्रेन पहले से लगी हुई थी जिस पर लोग चढ़ रहे थे। जल्दी मैं अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी तभी देखा कि अचानक से एक महिला दौड़ती हुई आई और ट्रेन पर चढ़ने लगी और ट्रेन का रफ्तार तेज हो गया था जिससे वे फिसल के नीचे गिर गई। मैं मोबाइल फेंक करके दौड़ी उसे बचाने के लिए, उसका हाथ पकड़ के खींची, नहीं तो वरना वे नीचे चले जाते और बड़ा हादसा होने से टल गया। हमने अपने मोबाइल फेंका और उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ी और उसके बाद उसका हाथ मैंने पकड़ा, मेरे हाथ में उसका हाथ आ गया और मैंने उसको खींच लिया। फिर भी वे उठ करके दौड़ने लगे ट्रेन के पीछे और तब तक तो बहुत लोग आ गए, पकड़ लिए, फिर बाद में समझाने लगे। और उसका भाई जो ट्रेन में खड़ा हुआ लड़का है वे उसका भाई था, वे उसको लेने आया था और वे ट्रेन के साथ चला गया और ये रोने लगे। फिर अपनी कहानी बताई हम लोगों को कि मतलब कि क्यों वे ज़बरदस्ती गाँव जाना चाहता है, क्योंकि दोस्तों उसका पति जो है ना वे दूसरी शादी कर रहा है और वे वहीं दिल्ली में रहते थे। उसको कह रहे थे कि हमें जाना बहुत ज़रूरी है, हमें जाने दीजिए। फिर पुलिस आए, टीटी आए, सब लोग उसको समझाए उमझाए और देखे दोस्तों उसको बचाने के चक्कर में मेरा मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया था जो मैंने फेंक दिया था, इसका सत्यानाश हो गया। लेकिन खैर मुझे मोबाइल का कोई अफसोस नहीं क्योंकि मैंने किसी की ज़िंदगी बचाई हूँ, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। मोबाइल तो फिर हम ले लेंगे लेकिन अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों ऐसी लापरवाही कभी नहीं करना चाहिए कि चलते ट्रेन पे हमें बैठने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। हम दूसरे ट्रेन का इंतज़ार कर लेंगे लेकिन हम तो घर आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी चली जाए तो वे वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों आगे मैं वीडियो कुछ नहीं बना पाई क्योंकि मेरा मोबाइल टूट गया था। खैर मुझे कोई अफसोस नहीं इसका, मोबाइल तो फिर हम ले लेंगे। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी मत करना आप लोग भी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।